अनुष्का शर्मा को देखकर सिर्फ एक ही वर्ड मेरे जहन में आता है, वो है एनर्जी। अनुष्का, ये एनर्जी कहाँ से आती है? भगवान जाने। आई थिंक यू द मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर राइट नाउ इस वक्त इंडस्ट्री की। थैंक्स यार, थैंक यू। कहाँ से आती है ये? एक्चुअली बस जब परफॉर्मेंस होती है तभी आती है, वरना तो आप हमेशा रणवीर को कुछ ना कुछ गलत ही बोलती रहती, कभी पाखंडी, कभी ये, कभी वो। मैं क्या कहूँ, जब रिकी बेल जैसे कैरेक्टर्स प्ले करते तो उनका कैरेक्टर वैसे ही हो जाता है। रणवीर गेट्स रियली इनटू कैरेक्टर, सो स्टार्ट बिकमिंग पाखंडी व्हाइल ही इज डूइंग अ पाखंडी फिल्म। बट इनफैक्ट जब रणवीर से मैं बोली थी, रणवीर सर की ही सजेस्टेड, उन्होंने लिखी आपके लिए लाइन जो पाखंडी वाली लाइन थी जी, बुरी नीयत को साफ करने वाली तू पाखंडी तो मैं गिरगिट साली, तू से तो मैं सवा से, अभी ज्यादा मत बोल हो जाएगी देर। सो आई एम क्विकली गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू न्यूज जो कि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान आई थी, एंड वी वांट टू क्लियर इट फ्रॉम यू। सबसे पहले आई थी कि आपकी परिणीता दीपान्विता से ज़्यादा नहीं बन रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सेट में, सो डू यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट? पहले तो मेरा नाम परिणीति है, परिणीति। यू नो, मुझे ऐसी न्यूज़ काफ़ी इरिटेट करती है। ट्रू रीज़न इज़ क्योंकि ना मैं समझती हूँ कि मैं जिस तरह से आई बिन ब्रॉट अप बाय माई पेरेंट्स, मुझे तमीज़ सिखाई गई है बिल्कुल, और एक मैं रिस्पॉन्सिबल एक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि जब मैं एक फिल्म में काम कर रही हूँ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एंड यू नो गर्मी होती है आपके पास, इतना समय होता है, लाइट जारी होती है, सनलाइट जारी होती है, शूट करना पड़ता है, सो ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर होते हैं। आप बेवकूफ़ होंगे अगर आप बेमतलब में किसी भी के साथ आप इश्यूज़ क्रिएट करेंगे और वो प्रेशर को भी ऐड करेंगे, तो ऐसा जब लिखा जाता है तो यू वंडर कि यार व्हाई डू पीपल टॉक लाइक दिस, मतलब ऑब्वियसली यू डोंट नो मी, दैट्स व्हाई यू टॉक लाइक दिस। अगर मेरे दोस्त होंगे वो जानेंगे कि आई एम वेरी सिक्योर विद व्हाट आई हैव, वेयर आई एम, मैं समझना चाहूँगी कि मैं काफ़ी एक एबल एक्टर हूँ और मुझे ये इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। एंड हैविंग सेड दैट, ये जो तीन लड़कियाँ हैं हमारी फिल्म में, ये मेरी फिल्म में ही हैं, तो अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी इट विल बेनिफिट मी, सो इट्स नॉट अ वाइज थिंग फॉर मी टू हैव इशूज विद एनीबडी। दैट आई एम डूइंग अ फिल्म विद कैटरीना कैफ हु इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ दिस कंट्री, तो मैं बिलीव करती हूँ कि मैं इनसिक्योर हूँ ही नहीं, जनरल आई एम नॉट इनसिक्योर, मुझे अपने काम में बहुत कॉन्फिडेंस है, और मुझे बहुत गंदा लगता है जो मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मतलब ये बहुत छिजोरा लगता है मुझे ऐसी हरकतें करना, कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं नहीं हमारी लड़ाई नहीं होती थी, मतलब आई फील लाइक समवेयर पीपल क्रिएट दिस न्यूज़, लाइक सम सेक्शन ऑफ द प्रेस दे क्रिएट दिस काइंड ऑफ न्यूज़ बिफोर द फिल्म रिलीज, सो दैट जब पहली जब फिल्म रिलीज हो जाए फिल्म, तब लोगों को ये ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछने का यू नो मौका मिलता है। बट yeah, that's there is absolutely no truth to this, and like I said, I am too responsible and too secure in my life to not get into these negative things in life. Bilkul, in fact film ki majority of the shooting Goa mein hui thi. It is said ki is film mein aap beach mein side mein nazar aane wali hai, in a swimsuit, is it true? फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कपड़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है इन आर फिल्म। आई फील कि मेरे लिए कपड़े उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कपड़े, जूते, सॉरी हेयर, मेकअप, एवरीथिंग इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज इट इज़ फॉर द कैरेक्टर। उसके बियॉन्ड आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट क्लोज एंड सीइंग क्लोज की फैशन सेंस क्या है उसमें, आपने ये पहना है वो पहना है, डजंट मैटर। सो जिस तरह से इशिका देसाई लड़की ड्रेसअप करी उस तरह से मैं ड्रेसअप किया है। All the best for all your future projects, and thank you so much. Thank you.